यशोमती मैया के नंदलाला। मैं इसे आशीर्वाद देने आया था, पर इससे मिलकर मैं स्वयं धन्य हो गया हूँ। जी कैसी बातें कर रहे हैं महाराज, लल्ला को मिलके धन्य हो गए का क्या अर्थ है? तो फिर तो आप महाराज से आशीर्वाद दो कि जब बहुत तेजस्वी बने और इसे किसी की भी बुरी दृष्टि कभी ना लगे। प्रणाम। आयुष्मान भवा। नंदराज अब मुझे आज्ञा दीजिए। आइए महाराज। कल्याण। पर मैया दया करो महाराज। बस करो। कंस इतना भी निर्दयी नहीं है। तुम सब इतना व्याकुल हो रहे हो तो मेरे पास एक उपाय है। मैं तुम्हें इस निशुल्क व्यापार की विवशता से मुक्त कर सकता हूं। यदि गोकुलराज नंद अपने पुत्र के साथ यहां आए तो। बलिहारी जाऊं मैं? हाँ। ऐसे ही मुड़ के देख तो रहेगा ना। कान्हा मार्ग पे चलते समय पीछे ना देखा जाता है, सीधा देख, वो भी उनकी ओर जो तुझ पर उल्टा सीधा आरोप लगाती है। चल सीधा। एक बार ठीक से देखने तो दो। क्यों भला? क्योंकि हमारा चित बस तो है जशोदा तेरे लल्ला में। क्योंकि आपके लल्ला ने हमारा चित्त चुरा लियो है जसोदा जी। वो माखन चोर तो पहले ही था, अब चित्त चोर भी बन गयो। नाना भाभी जो ये बोलना चाह रही थी कि कान्हा बिल्कुल आप पर गयो है। जैसे ही चित्त को मोह लेने वाली मुस्कुराहट आपकी है ना, वैसे ही उसकी भी है। हाँ हाँ, जैसे गहरी सुंदर सुंदर आँखें आपकी है वैसे ही उसकी भी है। कस्तूरी सावित्री, अब चाहे कितने भी प्रयास क्यों ना कर लो, मुझे मूर्ख ना बना सकती। और जे माखन लगाने की तो आवश्यकता बिल्कुल ना है। तो क्या आप मिलने दोगी हमें काना से? पहले ही कही थी ना, मेरे घर अब तभी आना जब अपना भूल स्वीकार कर लो। कान्हा से मिलने के लिए कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही पड़ेगा। एक उपाय है। हाँ? भाभी चाची हम सब ना यही बैठ जाते हैं, कान्हा कभी ना कभी तो आवेगा ही। हाँ? मिलने देने का तो प्रश्न ही ना बनता। पहले आरोप लगाती है फिर प्रशंसा के पर्वत पे चढ़ाती है। इन्हें लगतो है जसोदा भोली है, मान जाएगी। इस बार बिल्कुल ना मानने वाली मैं। पहले मेरे रामू के पीछे पड़ी रहती थी और अब मेरे कान्हा के पीछे पड़ी रहती है। सुन रही है तू भी तो उनमें से ही है। भाभी मैं कल फिर से आ जाऊं ना? आना तो पड़ेगा, एक दिन में नन्द पूरा थोड़ी हो जाएगा। सही कही कान्हा ने, आना तो पड़ेगा। Oh,
हर कोई चापलूसी तो ना करता है, पर कोई ना कोई उपाय तो करना पड़ेगा ना कान्हा से मिलने के लिए। अब तो बस एक ही आस बची है कि कभी ना कभी तो कान्हा बाहर आएगा और हम सब उससे मिल पाएंगे। मेरा भाग्य अधिक सराहने की आवश्यकता ना है भाभी। नंद भवन में भले ही प्रवेश मिल गया है मुझे, पर ना तो मैं कान्हा से मिल पाई हूँ और ना ही उससे ठीक से बात कर पाई हूँ। पर अब मैं कहीं ना चाहूंगी उससे मिले बिना, आप सबके साथ यही बैठूंगी। नंदराज, कैसे बताएंगे और किस मुंह से बताएंगे कि हमने अपनी मूर्खता में कैसो बात कर दो। भानु, बजरंगी, क्या हुआ? आप सब लोग इतने चिंतित क्यों हैं? क्या हो? मथुरा में कछु गड़बड़ हुई है का? चिंता मत ही करो आप लोग, जो भी कुछ हुआ है हम सब मिलकर संभाल लेंगे। आप सब लोग थके हुए हैं, तनिक विश्राम कर लो, उसके बाद हम बात करते हैं। चलो आओ। मुझे ही कछु करना पड़ेगा। मैया मैं खेलने जाऊं? बोलो ना मैया मैं जाऊं? ना लल्ला, अभी ठीक आई ना, जसुप संकेत ना है। गड़बड़ तो हो चुकी है मैया। ये लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। लीजिए, पीछे। भानु, थक गए होगे, जल पी लो। बजरंगी, लो। अरे तन की आवश्यकता का तो ध्यान रखना होगा ना, लो। आप हमें जल क्यों पिला रहे हैं? हम पे इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं आप? हम इसी योग्य ना है नंदराज, हम इसी योग्य ना है। हाँ नंदराज, हम इसके योग्य नहीं है, हम इसके योग्य नहीं है। ये सब क्या कह रहे हो आप लोग? हमने आपकी बात ना सुनी नंदराज। आपने कहा था, मना किया था आपने, पर अधिक धन के लोभ में हमने ही उस दुष्ट राक्षस को अपना वचन दे दियो। पर मथुरा जाके पता चलो कि ये सारा षड्यंत्र उस व्यापारी का ना था। उसने तो बस उस अत्याचारी कंस के कहने पे ये सब किया। आपने तो सीखो है मैया, पर स्थिति कैसी भी हो, चिंतित होना समाधान ना हो तो। पर समाधान तो चिंतन करने से मिलता है ना। तो मैं जाऊं? अच्छा बता, कछु गड़बड़ हो जाए तो हमारी रक्षा कौन करते हैं? श्री नारायण। तो तीन बार उनका ध्यान कर ले लल्ला। वाह मैया, मेरी रक्षा के लिए मुझे अपना ही नाम लेने के लिए कह रही हो? क्या सोच रहे हो कर? नारायण 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 नारायण। बस बस, अब मैं जाऊं? जा। ये
इसका अर्थ है कि जे कोई साधारण छल न था, जे सोची समझी योजना थी आप सभी लोगों को फंसाने की। अब यम का पास ही दंड देगा इसे। तूने जल की धार को भले ही काट दिया हो दुष्ट, पर हिम में धार नहीं होती। अब मेरी हिम शक्ति तुझे जमाकर नष्ट कर देगी। चंद्र, वरुण, यम, अग्नि, इंद्र, तुम में से कोई भी इस योग्य नहीं है कि मुझे पराजित कर पाए और इस विष्णु अवतार की रक्षा कर पाए। इस असुर को तो देवता घुसना बिगड़ पा रहे हैं। अब क्या होगा खाने का? बकासुर, मैं अपनी किरणों की ताप से तुझे छलनी छलनी कर दूंगा। पुत्र कार्तिकेय, इस असुर के उदर को फाड़कर अपने पिता के सखा श्री कृष्ण को मुक्त कराओ पुत्र। मैंने कहा था तुम में से कोई भी मेरा बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। तुम देवताओं का तो सामर्थ्य ही क्या, स्वयं देवों के देव महादेव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कृष्ण को अपने उदर में ही बचा जाऊंगा मैं। शिवशंकर का त्रिशूल है, एक ही बार में इस असुर का प्राण ले लेगा ये। हाँ, महादेव का त्रिशूल। कहा था मैंने, स्वयं महादेव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अजय हूँ मैं, अजय।
प्रभु, आपके त्रिशूल की महिमा तो अपरंपार है, तो फिर ये ठहर क्यों गया? आपने अपने त्रिशूल को वापस क्यों ले लिया महादेव? इस दुष्ट का संहार क्यों नहीं किया? क्योंकि इसकी मृत्यु मेरे हाथों नहीं, मेरे सखा नारायण के अवतार श्री कृष्ण के हाथों ही होगी, और यही विधि का विधान है। पर पिताजी, श्री कृष्ण तो इस असुर के उदर में फंसे हुए हैं, हम उन्हें मुक्त कैसे कराएंगे? ये उन्हें स्वयं ही मुक्त करेगा पुत्र। श्री कृष्ण अपने अपमान से क्रोधित नहीं होते, पर अपने भक्तों का अपमान वो क्षण भर भी सहन नहीं कर पाते। वकासुर यही भूल कर रहा है, हम सबका निरंतर अपमान करके वो उन्हें क्रोध दिला रहा है। वो ये नहीं जानता कि शीघ्र ही उन्हें अपने उदर में रख पाना उसके लिए असंभव हो जाएगा। क्या हुआ महादेव, पराजित होकर भी मुस्कुरा रहे हैं? पर अब तो महादेव कहलाने के भी योग्य नहीं रहे आप। असफल देवताओं की इस अयोग्य सेना को लेकर चले जाइए यहाँ से। ना ये मेरा सामना कर सकते हैं और ना ही आप। मेरी शक्ति के सामने आप अक्षम हैं महादेव। सुधा, जिस दुष्ट ने मेरे लल्ला को निगलो है ना, भीतर से जलेगो, छटपटाएगो, पीड़ा से कराएगो। जिस दुष्ट ने मेरे लल्ला को निगलो है ना, भीतर से जलेगो, छटपटाएगो, पीड़ा से कराएगो। ये क्या हो रहा है मुझे? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे भीतर से जल रहा हूं मैं? ये क्या हो रहा है मुझे? Wow.
हे प्रभु, मैंने ऐसे कौन से कुकर्म किए थे कि मुझे ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई, और ऐसे कौन से सुकर्म किए थे कि आपके हाथों से मुझे मोक्ष प्राप्त हुआ है? प्रभु स्मरण करो, हे गिरीश की पुत्र मक्कासुर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।